टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कुछ ऐसी भी कारनामा हमारे बीच आते हैं जिसे सुनकर समझकर भी यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसी घटना घटी होगी। दरअसल कल्याण से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर यकीन नहीं होता कि एक बेटा अपने बाप को 10 दिन तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा था। मामले का खुलासा बूढ़ा बाप जिसकी उम्र 59 साल है, उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही बेटे बहू के खिलाफ व अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, यानी शिकायत किया था। उसके बाद कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है। दरअसल बेटे और बहू दो और अन्य लोगों ने मिलकर बूढ़े बाप जिसका नाम सुरेश पावसे है, पहले उनसे पेपर प्रॉपर्टी पर यानी दस्तखत करने को कहा। पिता ने दस्तखत करने से मना कर दिया, जिसके बाद बेटे और बहू ने मिलकर अपने ही पिता को एक कमरे में बंधक बनाकर रख दिया, उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। यहां तक उनके साथ मारपीट किया गया, लेकिन 10 दिन के बाद पिता खुद कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज की है। हम आपको सुनाते हैं कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहू राजे सालवे ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। स्वरूप से जो कि रिक्शा चालक है और 59 साल उसकी उम्र है, उसके बच्चे खुद के बच्चे ने आपकी पुतनिया भाषा भांजा और उसकी औरत, इन्होंने पिताजी को 17 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रॉपर्टी के कागज पर सही नहीं कर रहा, इसलिए उसको बलजबरन मारहाण करके और रस्सी से बांध के घर में ही बंधक बना के रखा। चारों को गिरफ्तार किया गया? चारों भी गिरफ्तार है, आज तक वो पीछे नहीं।